द्वारा आज अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देने पाया, क्या रजुआत की आपकी और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर NN चौधरी से मुलाकात की कि 19 तारीख के दिन घटना बनी तो सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो वायरल हुआ। एक पत्रकार को ट्रैफिक बीट आई पुलिस चौकी के अंदर ले जाकर बेरहमी से पीटा गया कि 10 से 12 पुलिस वालों ने उसको मिलकर पीटा, जिसके वजह से उसको LG हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया गया। अभी उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस हालत है। उसके बाद उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसके ऊपर वो समाधान कर ले, केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो उसके बाद उस पर एट्रोसिटी डालने की धमकियां दी जा रही है। तो कुछ लोग आकर उसको धमका रहे कि तुम समाधान कर लो वरना तुम्हारे ऊपर केस डाल देंगे, एट्रोसिटी दाखिल कर देंगे। उसके बाद हमारी मुलाकात उनके, हमारा डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की हॉस्पिटल के अंदर, पूरी जानकारी उनसे ली कि क्या बनाव बना। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर NN चौधरी से मुलाकात की और वो सारी रजूआतें की है कि इसके अंदर जो भी आरोपी है उसका निष्पक्ष तपास हो गए, तपास होकर उन पर कड़क से कड़क एक्शन लिया जावे और उनको तात्कालिक सस्पेंड किया जावे, ऐसे हमने रजूआत की है। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि इस पर पुलिस के किसी पुलिस के विरोध में केस है तो क्या पुलिस FIR लेगी? जी, पुलिस कमिश्नर साहब को हमने वही रजूआत की है कि आप एक मिसाल कायम करें इसके अंदर कि जितने भी TRB और जितने भी कॉन्स्टेबल है अगर वो गैर कानून तरीके से काम करते, कानून सबके लिए एक है, चाहे पुलिस हो, आम आदमी हो, सारे लोगों के लिए एक है कि इसके अंदर जितने भी लोगों ने ये काम किया है उसके खिलाफ तुम सबसे सख्त कार्रवाई करो। क्योंकि लोगों के बीच में मिसाल के पुलिस के बीच में और पब्लिक के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। आज पुलिस के नाम से पब्लिक डरती है कि पुलिस स्टेशन में जाने से डरती है, कंप्लेन करने से डरती है कि पुलिस के विरुद्ध में किस तरह कंप्लेन करेंगे हम लोग। लेकिन पुलिस के कमिश्नर साहब को ये रजूआत किए कि आप इस पर कड़क से कड़क एक्शन लो ताकि लोगों के बीच में मिसाल कायम हो उसकी। तो हमने जो NN चौधरी साहब है इनको रजूआत रखी है और सारी पूरी मैटर हमने बताई है और हमें उम्मीद है कि, और इन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि इस मैटर के अंदर हम सख्त से सख्त जो आरोपी हैं या जो लोग गुनहगार हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, जिससे कि समाज में एक दाखला, एक एग्जाम्पल भी पेश हो कि जो गुनहगार है वो कोई भी रूप में है वो गुनहगार है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि कानून से हमें और पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। क्या कुछ कहना है आपका आज जो रजूआत करे आपने? NN चौधरी साहब ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से हमने मुलाकात की और हमने आवेदन भी दिया और जैसा कि उन्होंने हमसे हमको आश्वासन भी दिया है, कहा है कि भाई जो भी है इसको मैं देखूंगा, ये मैटर जो हुई है इसको मैं देखूंगा, नहीं होनी चाहिए एक नागरिक के साथ। और फिर वो तो पत्रकार है, देश का चौथा स्तंभ है, क्या अगर चौथे स्तंभ के साथ ही अगर ये मामला बना तो फिर देश का आम नागरिक के साथ क्या हो सकता है? या तो हम लोग भी इसी के लिए, हम लोग सीरियस भी हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की टीम भी इसी वजह से लेकर इसको सीरियस है कि आज तो एक आम नागरिक की बात नहीं है, एक चौथा स्तंभ जो देश का चौथा पिल्लर है, मतलब उस बंदे को मारा गया और उनको इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो सीधे हालत में है अभी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर NN चौधरी साहब जो है CP साहब हैं ट्रैफिक के, अगर वो एक्शन लेते हैं बहुत अच्छी बात है और उनके लेना भी चाहिए क्योंकि वो एक आला कमान अधिकारी हैं, मतलब क्लासन अधिकारी हो, तो वो इस पर लेवे भी एक्शन। लेकिन फिर भी अगर वो एक्शन नहीं लेते तो इसकी आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे कि हमें क्या करना है, हम लोग लीगल आगे किस तरह लड़ सकते हैं इनसे। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।